क्या रणबीर कपूर ने अपनी शादी में जूते चुराए के रस्म में दिए 11 करोड़ रुपए? क्या सालियों पर 11 करोड़ रुपए की रणबीर ने की थी बरसात? ये सवाल हमने नहीं पूछा, बल्कि सवाल पूछा है कपिल शर्मा ने। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद कपिल शर्मा का द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो है वो इसकी शुरुआत हो गई है। शो का नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। इसमें 7 साल बाद सुनील ग्रोवर नजर आए हैं। अब ये शो आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिलेगा टीवी की जगह। कपिल शर्मा के पहले मेहमान बनकर पहुंचे रणबीर कपूर, नीतू कपूर और रिधिमा कपूर। रणबीर, नीतू, रिधिमा की केमिस्ट्री भी लाजवाब। फैंस के सामने तीनों ने कई दिलचस्प खुलासे किए। कॉमेडी शो में रणबीर ने ये भी बताया कि क्या सच में उनकी शादी में सालियों को 11 करोड़ रुपए मिले थे। दरअसल एनिमल स्टार्स ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने अपने सालियों को कितना पैसा दिया था। मजाक मस्ती के दौरान, जैसा कि हर बार होता आया है, कपिल अपने मेहमानों से कुछ दिलचस्प सवाल पूछते हैं और उनके बारे में अफवाहों के सच जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में इस शो में भी कुछ ऐसा हुआ। सवाल पूछा गया रणबीर के जूते चुराई रस्म से जुड़ा हुआ। कपिल ने रणबीर से पूछा कि ये अफवाह उड़ रही है कि आपने शादी में जूते चुराई की रस्म में सालियों को 11 करोड़ रुपए दिए थे, क्या ये बात सच है क्या? बस फिर क्या था, अफवाह थी तो रणबीर ने इसे क्लियर करना भी सही समझा और इस शो में रणबीर कपूर ने क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल ही झूठी अफवाह है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। फिर नीतू ने बीच में कॉमेंट करते हुए कहा कि रणबीर ने सालियों को कुछ कैश दिए थे। अब इसका जिक्र रणबीर ने पूरी तरीके से किया। रणबीर ने बताया कि जब आलिया की बहन शाहीन ने उनसे कुछ लाख रुपए की डिमांड की जूते चुराई की रस्म को लेकर, तो मैंने भी मोल भाव किया और साली साहिबा को कुछ हजार रुपए में मना लिया। इस तरीके से रणबीर कपूर ने कुछ हजार रुपए देकर अपनी सालियों को मनाया था और जूते चुराई की रस्म भी पूरी हो गई, यानी कि 11 करोड़ रुपए वाली बात भी झूठी निकली। जो सोशल मीडिया पर अफवाह सामने आई कि रणबीर ने साली को 11 करोड़ रुपए जूते चुराई की रस्म में दिए थे, वो बिल्कुल झूठी निकली, जिसके बारे में रणबीर ने खुद खुलासा किया। एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से 14 अप्रैल साल 2022 को शादी की थी। अब कपल अपनी बेटी के साथ अक्सर नजर आता है।